ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि क्राउन ज्यूल के बाद रॉ का पहला एपिसोड होने वाला है। और सबसे मेन चीज यहां पर ये कि सर्वाइवर सीरीज होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपरव्यू, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के चार सबसे बड़े पेपरव्यूज में से एक माना जाता है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास यहां पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें कैसे सर्वाइवर सीरीज के मैच को काफी अच्छा बनाना है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी चीजों के बारे में जो कि पॉसिबली हमें देखने को मिलने वाले नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कुछ बड़े तरीके से सरप्राइज कर सकती है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहली चीज जो कि एडवर्टाइज की जा रही है नेक्स्ट शो के एपिसोड के लिए, वो है नाया जैक्स वर्सेस तमीना के फ्यूड। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच कुछ ना कुछ फ्यूड की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में नेक्स्ट शो के एपिसोड में हमें पता लगने वाला कि ये दो सुपरस्टार किस डिसीजन पर पहुंचते और क्या कुछ हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच देखने को मिलता है। पर्सनली मैं भी काफी एक्साइटेड हूं इसके लिए, क्योंकि वुमेन्स डिवीजन में भी बहुत ही कम देखने को मिलता है कि दो बड़े साइज के दोनों का, आप लोगों ने देखा कि काफी दोनों तगड़े हैं। तो ऐसे में काफी मजा आने वाला है इन दोनों की फ्यूड देखने में, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे इन दोनों के बीच कुछ करवाती है। नेक्स्ट चीज की बात करें जो कि अगले रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज की जा रही है, वो है सर्वाइवर सीरीज के रॉ वर्सेस स्मैकडाउन लाइव के मैचेस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, तीन मैचेस तो यहां पर पहले से कंफर्म है, रोंडा वर्सेस बैकी, ब्रॉक वर्सेस एजे, शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर यह बता रही है कि आगे स्मैकडाउन वर्सेस रॉ के लिए और कौन से मैचेस यहां पर कंफर्म होते हैं, जिससे कि यह बात साफ होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में भी कुछ यहां पर मैचेस कंफर्म करने वाली है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन लाइव के लिए। अगली चीज की बात करें जो कि हमें नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है, और वो होगा रोंडा राउजी का एक जबरदस्त प्रोमो, जहां वो बात करेंगी बैकी लिंच के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं रोंडा राउजी वर्सेस बैकी लिंच के बीच एक जबरदस्त चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच कंफर्म हो चुका है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं बैकी लिंच को कितना जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, वहीं रोंडा राउजी तो अच्छी है ही, तो इसमें काफी मजा आने वाला है इनका मैच देखने में एट सर्वाइवर सीरीज। अगली चीज की बात करें जो कि एकदम कंफर्म है नेक्स्ट शो के एपिसोड में ये जरूर होगी, और वो ये जब ब्रॉन स्ट्रोमैन धुलाई करेंगे बैरन कॉर्बिन की। जैसे कि हमने देखा था क्राउन जूल में बैरन कॉर्बिन ने आकर मैच शुरू होने से पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अटैक कर दिया था, और कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा रीजन रहा जिसके चलते ब्रॉन स्ट्रोमैन मैच में कमबैक नहीं कर पाया और उन्हें अपना चैंपियनशिप मैच हारना पड़ा। वहां पर उनके पास मौका था कि वो चैंपियनशिप को जीत सके। तो इसमें यहां पर ये बात तो मुझे लगता है कंफर्म है कि जरूर ब्रॉन स्ट्रोमैन बुरी तरीके से धोने वाले हैं बैरन कॉर्बिन को। अगली चीज की बात करें जो कि हमें देखने को मिलने वाले नेक्स्ट शो के एपिसोड में, और वो ये जहां पॉल हेमन एड्रेस करेंगे एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच एट सर्वाइवर सीरीज। अब बात करें ब्रॉक लेसनर की कि क्या वो हमें नेक्स्ट शो के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, तो कंफर्म यहां पर नहीं कह सकते। एक पॉजिटिव चीज देखे तो वो ये कि सर्वाइवर सीरीज बड़ा पेपर हुई है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर ब्रॉक लेसनर को रॉ के दोनों डेट्स पर बुक करना चाहे, लेकिन फिर ब्रॉक लेसनर वही काफी वीआईपी है, तो इसमें थोड़े से उनके आने के चांसेस कम है। लेकिन हां, अगर ब्रॉक लेसनर आते तो शायद हमें यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रॉक लेसनर भी आमने सामने आते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर नहीं आते तो यहां पर हमें पॉल हेमन एड्रेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को, जो कि होने वाला है सर्वाइवर सीरीज में। अगली चीज की बात करें जो कि शायद नेक्स्ट शो के एपिसोड के लिए काफी बड़ा स्पॉइलर साबित हो सकता है, और वो ये जब स्मैकडाउन लाइव ब्रांड आकर इन्वेड करेगा मंडे नाइट रॉ को। जैसे कि हम लोग जानते हैं सर्वाइवर सीरीज से पहले हमें हर साल ये देखने को मिलता है जब कभी भी रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होता है कि एक ब्रांड जाकर दूसरे ब्रांड के ऊपर अटैक करता है, और यहां पर रॉ के दो ही एपिसोड बाकी है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर इन्वेड करवाना चाहते हैं स्मैकडाउन लाइव से रॉ ब्रांड पर, तो पॉसिबली हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट शो के एपिसोड में, जहां पर हो सकता है कुछ बड़े सुपरस्टार आकर जिनके चैंपियन वर्सेस चैंपियन के मैचेस हैं, या फिर टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन लाइव के जो मैचेस कंफर्म करवाने, तो उसके चलते हो सकता है हमें यहां पर वो सुपरस्टार आकर रॉ पर इन्वेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर वाकई में यहां पर कुछ ऐसा होता है तो सच में नेक्स्ट शो का एपिसोड एकदम कमाल का जाने वाला है। नेक्स्ट एंड फाइनल चीज की बात करें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज करे नेक्स्ट शो के एपिसोड के लिए, और वो ये डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस आर स्टिल रॉ टैग टीम चैंपियंस। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कैसे डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस भले ही चैंपियन है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो अलग जा रही है। डीन एम्ब्रोस सोचते हैं अलग चीज और सेथ रॉलिंस सोचते हैं अलग चीज, दोनों एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर आगे चैंपियनशिप का क्या होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद यहां पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे। तो ऐसे में पॉसिबली हमें नेक्स्ट शो के एपिसोड में पता लग जाएगा कि आगे रॉ टैग टीम टाइटल्स का क्या होने वाला है, और क्या मैच कंफर्म होगा सर्वाइवर सीरीज में स्मैकडाउन लाइव की टैग टीम चैंपियंस वर्सेस रॉ के टैग टीम चैंपियंस के बीच। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि नेक्स्ट रॉ के एपिसोड के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।